तो आज हमारी इस यस ऑनलाइन क्लास में चंदन जी के साथ हम पढ़ रहे हैं, और आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं और करने जा रहे हैं कि मैच और इंडेक्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैच और इंडेक्स का यूज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैच और इंडेक्स तो क्यों इस्तेमाल करते हैं हम इंडेक्स को? मैच को आपने समझ लिया, पहले मैच को समझिए कि किसी भी सेल वैल्यू, जैसे कि मैंने जैन को करना है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लुकअप करता है कि मैच, हमने इसको सेलेक्ट किया और हमने अपने डेटा में सेलेक्ट कर लिया। तो इसने क्या किया, ये बताएगा कि ये जो जैन है ये यहां इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, और एग्जिस्ट करता है तो उसका काउंट सीक्वेंस नंबर क्या है। तो सीक्वेंस नंबर इट मींस यहां से काउंट करेगा कि एक दो तीन, ऐसे काउंट करेगा, एक दो तीन इस तरह से काउंट करेगा। ठीक है, तो इसका यूज क्या होता है चलिए बताते हैं आपको। अब क्या है, कि हमारे पास एक डेटा है और डेटा में हमारा जो लुकअप है, मतलब कि जो आईडी है वो सबसे लास्ट में है, एम्प्लॉई कोड जो है सबसे लास्ट में है। यहाँ पे हम एम्प्लॉई कोड डालते हैं कि एम्प्लॉई कोड जो है सबसे लास्ट में, और मैं यहाँ पे वन एंड टू करके, मान लीजिए एम्प्लॉई कोड हम कर देते हैं, या फिर 100 कर देते हैं यहाँ पे कि 501, हाँ इस तरह से। तो प्रॉब्लम है कि वी लुकअप इसको लुकअप नहीं करेगा। तो वी लुकअप इसको लुकअप नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि वी लुकअप लेफ्ट टू राइट चलता है, राइट टू लेफ्ट नहीं आएगा वी लुकअप। तो वी लुकअप का यूज करने के लिए हम क्या करें, क्योंकि मुझे यहां पे एम्प्लॉई कोड मान लीजिए कि 5003 का चाहिए, 5003 चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले लगाएंगे फॉर्मूला मैच का। मैच क्या करेगा कि 5003 का सीक्वेंस नंबर काउंट करके मुझे दे देगा कि चौथे नंबर पे है, या मतलब कि यहां से 1 2 3 4 चौथे नंबर पे। उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मैच का, सॉरी इंडेक्स का। इंडेक्स फॉर्मूला क्या करता है, इंडेक्स फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है कि अगर हमने एक पूरी एरिया को सिलेक्ट कर लिया और इस पूरी एरिया में मान लीजिए मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से होता है कि मैं रो नंबर बोला कि मुझे रो नंबर 4 और कॉलम नंबर 1 का रिजल्ट चाहिए, तो रो नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 1 का रिजल्ट चाहिए तो कैसे होगा? तो इसमें क्या हुआ कि ए हमने डाल दिया, तो रो नंबर 4 पे आएगा वो यहां से, और पहला कॉलम इसका रिजल्ट दे देगा जो कि हमें चाहिए। तो अगर जो जहां पे हमें मैनुअली 4 लिखा है, इस 4 को हम इस मैच के साथ अगर कनेक्ट कर दें तो मेरा फिर वी लुकअप की तरह हो जाएगा कि मैं यहां पे 5001 को सर्च किया तो मैच ने रिजल्ट दिया रो नंबर 1, और इंडेक्स ने यहां भी इसका रिजल्ट दे दिया। या फिर हम मैच और इंडेक्स को इकट्ठे लिख सकते हैं। चंदन जी, मैच और इंडेक्स समझ में आया आपको? यस सर। तो डाउट इसमें? नहीं सर। तो मैच और इंडेक्स इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो मैच और इंडेक्स वी लुकअप की तरह वर्क करता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि
आपका डेटा इंक्रीज होता है, तो क्योंकि आपने डेटा को सिलेक्ट कर रखा है। लेकिन हो सकता है डेटा बढ़ जाए घट जाए, तो आपको बार बार आपको इंडेक्स में बढ़ाना और घटाना पड़ेगा। लेकिन एक फॉर्मूला हमारे पास है ऑफसेट का। ऑफसेट का फॉर्मूला, जिसमें बढ़ाने और घटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ गए? तो यहां पे क्या करेंगे हम, अब जानिए कि ऑफसेट फॉर्मूला करता क्या है। हम बोलते हैं यहां पे इक्वल ऑफसेट। ऑफसेट भी इंडेक्स की तरह काम करता है कि रो नंबर और कॉलम नंबर देने पे वो उसका रिजल्ट शो कर देता है। ठीक है, लेकिन ऑफसेट में पूरा डेटा नहीं चाहिए होता है, ऑफसेट में स्टार्टिंग ऑफ द डेटा चाहिए होता है। ठीक है, कि डेटा का स्टार्टिंग पोजीशंस आप सिलेक्ट कर ले, कि स्टार्टिंग पोजीशंस क्या है, एंड कॉमा सॉरी रो नंबर, इसका रो नंबर क्या है, तो इसका रो नंबर मैंने बोला कि भाई -1। अब ऑफसेट काउंटिंग जो करता है वो 0 से करता है। ठीक है, तो ऑफसेट जो काउंटिंग करता है वो 0 से करता है, इसलिए -1 करना होता है एंड 0 रिजल्ट आ गया। तो ऑफसेट का बेनिफिट क्या हुआ, ऑफसेट का बेनिफिट ये हुआ कि आपका डेटा जो है पूरा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने एक एरिया को सिलेक्ट किया और ऑफसेट वर्क कर गया। सर, ये ऑफसेट में अगर बीच में ब्लैंक हो तो काम करेगा नहीं समझ गए? करेगा? हाँ करेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यस सर। तो ऑफसेट समझ में आ गया आपको? यस सर। ओके okay. अब बात करते हैं ऑफसेट के बाद जो अगला टॉपिक आता है उसकी। तो ऑफसेट के बाद जो अगला टॉपिक है वो बात है एच लुकअप की। एच लुकअप, वी लुकअप का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लुकअप, और एच लुकअप का फुल फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल। जैसे डेटा आपका अगर ट्रांसपोज हो गया, जैसे इस तरह से, डेटा आपका ट्रांसपोज हो गया इस तरह से, तो उस केस में अगर मान लीजिए मुझे अगर 5003 का मुझे सैलरी देखना है तो वी लुकअप तो नहीं लग सकता। तो यहां पे हमारा पहला प्रेफरेंस होता है एच लुकअप लगाना, मतलब कि हॉरिजॉन्टल लुकअप। इसमें हम लुकअप वैल्यू जस्ट लाइक वी लुकअप की तरह इसका इस्तेमाल करेंगे। टेबल जैसे वी लुकअप में हम वर्टिकल सर्च करते थे, एच लुकअप में हम हॉरिजॉन्टल कर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यस सर। और यहां भी वी लुकअप में कॉलम नंबर देते थे या हम यहां रो नंबर देंगे। और यहां पे देते हैं हम 1 2 3 4 एंड कॉमा 0।
140। अच्छा हाँ, इसमें रिजल्ट देखिए यहाँ पे, ठीक है रिजल्ट आपके सामने। अच्छा यस सर। इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसको हम मैच और इंडेक्स या ऑफसेट मैच से भी कर सकते हैं, जब यहां पे मैच लगाएं और मैच में इसका हम कॉलम नंबर पता कर लें कि इसका आखिर कॉलम नंबर है कितना। ठीक है, और फिर यहां पे हम इंडेक्स लगाएंगे और इंडेक्स में हम पूरा डेटा को सेलेक्ट करेंगे। यहां पे हम कॉलम नंबर लिखेंगे, चौथा नंबर जैसे सैलरी का है, रो नंबर एंड कॉलम नंबर दे देंगे जो कि मैच ने रिजल्ट दिया है, जो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं बाद में। और सेम हम ऑफसेट से लगाएंगे कि ऑफसेट में हमने स्टार्टिंग ऑफ द डेटा सेलेक्ट कर लिया और रो नंबर मैंने दे दिया चौथा, रो नंबर 4-1 एंड कॉलम नंबर मैंने दे दिया सेम -1, क्योंकि एक कम होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज का कि एक कम करना होता है। तो एच लुकअप और वी लुकअप का काम मैच और इंडेक्स और मैच एंड ऑफसेट से भी हम कर सकते हैं। ठीक है चंदन जी, यस सर। तो मैच और इंडेक्स और मैच और ऑफसेट की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर कल हम यस सर। आपको कॉम्प्लिकेटेड वी लुकअप, जो वी लुकअप है उनके बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके सर। ठीक है सर, प्रीवियस यस सर। क्लासेस से कोई डाउट है आपको तो पूछ सकते हैं। नहीं, ओके सर। नहीं है, ठीक नहीं सर। ठीक है। तो